आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गणित रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट का करो सफाया बस प्रश्न की फोटो खींचो एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ अभी डाउनलोड करें हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक दशमलव पाँच प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए यहाँ पे साइन उन्चास डिग्री का मान दिया हुआ दशमलव पचहत्तर तो यहाँ पे इसका जो है हम यहाँ पे जो है जब हल करेंगे तो हल में जो है आगे प्रयोग करेंगे तो चलिए इसको समझते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ये मान लीजिए हमारे पास कोई प्रिज्म है ठीक है तो यहाँ पे होता है क्या यहाँ पे दो अपवर्तक प्रश्न होते हैं जिनसे जो है प्रिज्म के अंदर अपवर्तन हो रहा होता है ठीक है इसमें से हमारा क्या है? एक अपवर्तक पृष्ठ हमारा ये है और दूसरा ये है ठीक अपवर्तक प्रश्नों में क्या होता है अपवर्तन होता है ठीक और इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसे हम कहते हैं प्रिज्म कोण ठीक है और प्रिज्म कोण को हम यहाँ पे कैपिटल ए से दिखाते हैं और हमारे इस क्वेश्चन में हमें जो है प्रिज्म का कोण कितना दिया हुआ साठ डिग्री यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो ए का मान है वो साठ डिग्री है ठीक है उसको यहाँ पे इस तरीके से हमने दिखा दिया ठीक ए का मान कितना है साठ डिग्री है ठीक अब यहाँ पे होता है क्या देखिए कि मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है यहाँ पे प्रकाश किरण आ रही है ठीक है हमने मान लिया ये यहाँ पे क्या है ये हमारा जो है यहाँ पे वायु है ठीक है वायु कैसा होता है वायु यहाँ पे विरल माध्यम है ठीक किसके सापेक्ष में ये जो प्रिज्म है उसका पदार्थ हमने मान लिया यहाँ पे ये जो है कांच का बना हुआ ठीक तो ये जो है क्या होगा ये यहाँ पे सघन होगा ठीक है मतलब वायु और कांच को देखा जाए तो वायु हमारे पास विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन प्रवेश करती है तो अविलंब से अविलंब की यहाँ पे अविलंब की ओर झुकती है ठीक है यानी यहाँ पे क्या इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से लेकिन ये क्या होगा यहाँ पे ये ऐसे ना जाके यहाँ पे क्या होगा कुछ यहाँ पे जो है इस तरीके से जाएगी ठीक है अविलंब की ओर झुकते हुए ठीक और यहाँ से क्या होगा इस तरीके से ये यहाँ पे निर्गत हो जाएगी ठीक तो अविलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है उसे हम कहते हैं यहाँ पे क्या आपतन कोण कहते हैं इसको आई से दिखाते हैं और यहाँ पे क्या जो निर्गत प्रकाश किरण है वो अभिलंब के साथ जो से दिखाते हैं ठीक ठीक अब यहाँ पे निर्गत को तो ऐसा लग रहा है जबकि वास्तव जब में नहीं आ रही लेकिन ऐसा लग रहा है ठीक फिर जो है जो आभासी प्रकाश किरण है ये जहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे काटती है उन दोनों के बीच के जो कोण को हम कहते हैं विचलन कोण कहते हैं इसको यहाँ पे डेल्टा से दिखाते हैं ठीक है और अगर ये जो है यहाँ पे क्या अल्पतम विचलन कोण है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपतन कोण है वो निर्गत कोण के बराबर होता है और यहाँ पे जो है अल्पतम विचलन कोण को हम डेल्टा एम से दिखाते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया हुआ है किसके सापेक्ष सापेक्ष जिस माध्यम में रखा हुआ उसके सापेश? तो उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं स्मॉल एन से तो स्मॉल एन कितना है एक दशमलव पांच है ठीक है तो यहाँ पे क्या इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है क्या एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे दो होल अपॉन साइन ए बटे दो ठीक तो एन का मान कितना है एक दशमलव पाँच है यहाँ से क्या आ जाएगा साइन ए का मान कितना है साठ है तो साठ प्लस डेल्टा एन जो हमें निकालना है ठीक है बटे दो ठीक है यहाँ पे जो है हमसे इस क्वेश्चन में जो है अल्पतम वेस्टर्न कोण पूछा हुआ है यानी यहाँ पे डेल्टा एन का मान ये हमें निकालना है अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए बटे दो है ए का मान कितना है साठ है यानी साठ बटे दो तो यहां से ये कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम तिल गुणा कराएंगे इस तरीके से तो यहां पे हमें ये निकालना है तो इसको हम पहले लिखेंगे यानी कितना आ जाएगा? साइन साठ प्लस डेल्टा एम बटे दो बराबर एक दशमलव पांच गुड़े यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन तीस अब यहां पे क्या होता है साइन तीस का मान हम जानते हैं कितना होता है एक बटे दो होता है ठीक साइन तीस डिग्री का मान होता है एक बटे दो ठीक है तो इसका यहां पे प्रयोग करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा साइन साठ प्लस डेल्टा एम बटे दो बराबर एक दशमलव पांच कूड़े एक बटे दो तो यहां पे क्या होगा साइन साठ प्लस डेल्टा एम बटे दो बराबर यहाँ पे इसको हल करेंगे तो आ जाएगा जीरो दशमलव कितना हो जाएगा सात पाँच ठीक और यहाँ पे अप्रयोग करेंगे जो हमें दिया हुआ था कितना दशमलव सात पाँच का मान कितना तो साइन उनचास डिग्री ठीक यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन साठ प्लस डेल्टा एम बटे दो बराबर यहाँ पे दशमलव सात पाँच कितना हो जाएगा साइन डिग्री ठीक तो यहाँ पे क्या करेंगे दोनों पक्षों की तुलना करेंगे क्या करेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर ठीक तो कितना आ जाएगा यहां पे देखिए यहां पे जो है जब त्रिकोण में अनुपात यहां पे समान है तो उनके अंदर के जो कोण है वो भी अगर हम बराबर कर दें तो कितना आ जाएगा साठ प्लस डेल्टा एम बटे तो बराबर उनचास डिग्री तो यहाँ से क्या जाएगा साठ प्लस डेल्टा एम बराबर उनचास गुणे दो ठीक है यानी यहाँ पे क्या उसको गुणा कराएंगे तो कितना आएगा ये आ जाएगा हमारा अट्ठानबे ठीक है यानी यहाँ पे क्या आ गया साठ प्लस डेल्टा एम बराबर अट्ठानबे डिग्री हमें क्या निकालना है हमें अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम का मान निकालना है तो डेल्टा एम बराबर आ जाएगा अट्ठानबे माइनस साठ डिग्री ठीक है अट्ठानबे डिग्री माइनस साठ डिग्री यानी यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ से जो अल्पतम विचरण कोण का मान है वो कितना आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 38 यानी 38 डिग्री ठीक है तो यही क्या हो जाएगा यही हमारे दिए हुए क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है यानी अल्पतम विचरण कोण का मान क्या आ गया 38 डिग्री तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था थैंक यू कक्षा छब्बीस से बारवी से लेकर नीट आई आई टी वो एडवांस के लेवल तक एक करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट या व्हाट्सअप करें अपने सारे डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ आरोप